हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो लंच है वो बिल्कुल सिंपल ऑथेंटिक खाना है, बैंगन की सब्ज़ी, दही और साथ में चपाती। तो उसके लिए मैंने ले लिए थे ये मीडियम साइज़ के बैंगन और उनको जस्ट हाफ हाफ में कट करके और फिर उसके अंदर चीरे लगा दिए। दूसरी साइड मैंने ले लिए थे एक बोल के अंदर जो बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, और फिर उसको बैंगनों को थोड़ा थोड़ा सा खोलते हुए ये सारा मसाला उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। फ्रेंड्स, ये हमारी बैंगन की जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल क्विक वाली रेसिपी है। इसको बनने में टोटल 10 मिनट मैक्सिमम, आप कह लीजिए 12 या 15 मिनट लगते होंगे, और इसमें ज़्यादा कोई चॉपिंग का चक्कर नहीं है। तो जब भी आपको जल्दी हो तो आप इस तरह का लंच बनाइए। तो ये जो मसाला बचा हुआ है ये हम रख देंगे और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने डाला जीरा, और फिर जो बैंगन है उनको हमने इस तरह से अरेंज कर देना कढ़ाई के अंदर। अगर आपके बैंगन ज़्यादा हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उनको ऊपर ऊपर लेयर कर दीजिए और फिर उसको ढक के थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। मीनवाइल हम थोड़े से जो प्याज टमाटर हैं वो इस सब्ज़ी में ऐड करने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिया था के लिए लिया था एक बड़े साइज़ का प्याज और एक टमाटर, और उनको बस मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। और आप चाहे तो इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया ये मेरी क्विक वाली रेसिपी है, तो मैं ज़्यादा चॉपिंग के चक्कर में नहीं पड़ती और बस जल्दी जल्दी से इसको बना के तैयार कर देती हूँ। तो एक बार हम सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो मैंने सारे बैंगनों को एक बार पलट दिया था, आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा एक रोस्टेड सा टेक्सचर आ गया सारे बैंगनों के अंदर। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज और टमाटर, और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ मसाला हमने जो साइड पे रखा था फिर वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और फिर से सब्ज़ी को ढक के पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट पकाने के बाद आपकी जो सब्ज़ी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा तैयार सी लगेगी। तो उस स्टेज पे आपको इस एक बार इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैं सब्ज़ी को थोड़ी देर पकाने के बाद फिर से मैंने इसका लेड उठाया, तो अब ये सारी चीज़ें सॉफ्ट लग रही हैं। तो आपने एक बार इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा करछी चलाएंगे तो आपकी सब्ज़ी का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो मीनवाइल हम बना लेते हैं चपाती। तो उसके लिए मैंने मिक्स आटा यूज़ किया था। मिक्स आटे में मेरे 5-6 तरह के आटे मिक्स होते हैं। तो चपातियाँ भी हो गई तैयार, और फाइनली एक बार हम अपनी सब्ज़ी की शक्ल देख लेते हैं जो कि आई होप अब तक बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। तो सब्ज़ी, ये हमारी सब्ज़ी रेडी है। तो सारा कुछ हम एक बार हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद फाइनली उसको धनिया के साथ गार्निश कर देंगे। अब हमारी है प्लेटिंग की बारी। तो प्लेटिंग के लिए मैंने प्लेट में लगाई 2 चपाती, साथ में अपनी बैंगन की सब्ज़ी और साथ में दही। ये आपका सिंपल सा लंच जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो गया था वो तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल न्यू है तो आई रियली नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।